أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعدون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله العظيم। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी इंतहा फ़ज़्लो करम बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को एक अहम फ़रीज़ा ईशा की नमाज़ जमात के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और इसी तरीक़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को थोड़ी देर बैठकर कुरान मजीद की मुख्तसर तफ़सीर सुनने का मौक़ा नसीब फ़रमाया। जिन आयतों की तिलावत की गई है ये सूरतुत तूर की आयतें हैं। इंशाअल्लाह आज सूरतुत तूर की तकमील होगी। गुज़िश्ता बयान किया गया था कि कुफारे मक्का जो है अपने लिए बेटों को तजवीज़ करते थे और अल्लाह की जानिब बेटियां तजवीज़ करते थे, और ये भी बयान किया गया था कि ये काफिर लोग ईमान कबूल नहीं कर रहे हैं। ए नबी, क्या आप इनसे कुछ उजरत तलब करते हैं दावत तबलीग पर, दावत ईमान पर, कि उस उजरत का देना उनके लिए मुश्किल हो रहा हो और ईमान के करीब ना आ रहे हों? ऐसा तो नहीं है। और जो है उनकी चालों के बारे में फरमाया गया कि ये जो चाल चलेंगे तो ये अपने चालों के अंदर खुद घिरेंगे। और काफिर लोग अल्लाह के अलावा औरों को भी खुदा तजवीज़ करते हैं, तो फरमाया गया कि अल्लाह ताला की ज़ात शिर्क वगैरह से पाक है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इरशाद फरमा रहे हैं, वहीं यरो किस फम में नसमा इसाक़ी यकूल सहाब मरकूम, और अगर आसमां से कोई टुकड़ा गिरता हुआ देख लें तो वो कहेंगे कि ये तो तहबते जमा हुआ बादल है, ये तो तहबते जमा हुआ बादल है। कुफार मक्का अक्सर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो है मुअज्जिज़ात का मुतालबा करते थे, और अल्लाह के रसूल के कई मुअज्जिज़ात उनके सामने ज़ाहिर हुए, लेकिन फिर भी मानने वालों के लिए मुअज्जिज़ा की भी ज़रूरत नहीं है, ना मानने वालों के लिए जो हज़ार मुअज्जिज़ात का क्या करते हैं, मुतालबात करते हैं। तो कई मुअज्जिज़ात तो ज़ाहिर हुए अल्लाह के रसूल की ज़ात से, और कई मुअज्जिज़ात जो है ज़बरदस्ती के तौर पर कुफारे मक्का अल्लाह के रसूल को कहने लगे कि ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जिसका तज़किरा सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। उस आयत को समझने से पहले यहाँ पर समझें कि सूरह बनी इसराइल के अंदर कहा गया, वक़ालू लन्नुमिन लक हत्ता तफ़जुर लना मिन अल-अर्ध यंबुआ, ये काफिर लोग कहते हैं कि ए पैगंबर, हम तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे, हम तुझ पर क्या है ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि हमारी इस सरजमीन में जो मक्के की वादी है, वादी गैर सी ज़रा, जिसके इस ज़मीन से तुम चश्मा जारी कर दो, जब तुम चश्मा जारी कर दोगे तो जो है हम तुम पर क्या करेंगे ईमान लाएंगे। या फिर दूसरा फरमाया, औ तकून लक जन्नत मिन नखील व इनब फतुफज्जिर अल अनहार खिलालहा तफजीरा, या ये कि तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बागात हों, इसी वादी गैर ज़िज़रा के अंदर क्या हों, तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बागात हों, और उस खजूर और अंगूर के बागात के बीचों बीच बहने वाला चश्मा भी जारी हो। ये मुतालबात हैं उनके, किन के, काफिरों के, कि चश्मा भी जारी हो। या तीसरा मुतालबा, औ तुस्कित अस्समा कमा ज़अमत अलैना किसफन औ तअती बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला, कि या तुम्हारा जैसा ख्याल है, गुमान है, तो आसमान को हमारे ऊपर गिरा दिया जाए, आसमान को क्या कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहा करते थे कि क़यामत का दिन कायम होगा, जब क़यामत कायम होगा तो आसमान दरहम बरहम हो जाएंगे, इज़ अस्समाउ इंशक्कत, जब आसमान क्या हो जाएगा, फट जाएगा।
तो फरमाया गया या इनके आसमान को टुकड़े करके हम पर क्या कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, या ये औतातिया बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला, या अल्लाह और फरिश्ते हमारे सामने आ जाएं, अल्लाह को बुला लो, फरिश्ते को बुला लो, हमारे सामने आ जाएं, वो हमसे कहें कि ये क्या है, रसूल है, इस तरीके के मुतालबात। और आगे बयान फरमाया गया औ यकून लक बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन, या नहीं तो ये तो ये हो कि तुम्हारे लिए जो है सोने का महल हो, औ यकून लक बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़, तुम्हारे लिए सोने का महल हो, या औ तरक़ा फ़िस समा, या तुम आसमान में चढ़ जाओ, वलन नूमिन लिरुक़्यिका, आसमान पे चढ़ जाओगे फिर भी हम तुमको नहीं मानेंगे, हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रऊ, यहाँ तक कि तुम जो है वहाँ पर वहाँ से कोई एक ऐसी किताब लाओ, ये जो कुरान पेश करते हो इसके अलावा कोई एक ऐसी किताब लाओ जिसको हम पढ़ सकें, जिसको हम समझ सकें। कुल सुबहान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशर रसूला, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मेरा रब पाक है, मैं तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक इंसान हूँ, रसूल हूँ। तो इस तरीके के जो है मुतालबात काफिरों की तरफ से अल्लाह के रसूल की तरफ से होते थे। मुख्तसर जुमले के अंदर इन तमाम मुतालबात का जवाब दिया गया कि अल्लाह की ज़ात पाक है, ऐसा नहीं है कि जो है तुम्हारे मुतालबात को अल्लाह पूरा करने से आजिज़ हो, कासिर हो, नहीं, बल्कि अल्लाह की ज़ात पाक है, लेकिन मुतालबात का मुतालबात उससे किया जाए जो दावा भी करता हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अल्लाह के रसूल की ज़ात कभी यही नहीं थी, ये नहीं थी दावा देने के अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं नफ़ा नुकसान का मालिक हूँ और मैं जो है ये कर दूंगा, मैं फलां परेशानी को दूर कर दूंगा, कहीं पर इस तरीके के मुतालबात नहीं थे। तो फरमाया गया कि जो है आप ये कह दीजिए कि मैं जो हूँ इंसान हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ क्या हूँ, पैगंबर हूँ। तो इस तरीके के जो है वो मुतालबात जो है काफिर लोग अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से क्या करते थे। इस आयत के अंदर वही बयान किया गया वही यरो किस्फम मिनस, और दूसरे मकाम पर भी बयान फरमाया गया कि वलव फतहना अलैहिम बाबा मिनस समा फज़ल्लू फीही यारुजून लकालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु कौमुन मसहूरून। ये लोग बोलते हैं कि हम पर जो है आसमान का जो है टुकड़ा गिर जाए, अगर ये आसमान के टुकड़े को गिरता हुआ देख लेंगे तो क्या कहेंगे, सहाबुम मरकुम, ये तो जमा हुआ बादल है, यानी आसमान से का टुकड़ा गिर जाए, आसमानी आफात नाजिल हो जाए, आसमान से अजाब नाजिल हो जाए तो फिर भी नहीं मानेंगे, फिर भी क्या कहेंगे, ये तो बादल दो तीन बादल का हिस्सा मिलके जो है जमा हुआ बादल आया है, ये कोई अजाब नहीं है, जमा हुआ बादल आया है। सूरह हिजर के अंदर भी अल्लाह ने बयान किया वलव फतहना अलैहिम बाबा मिनस समाई फज़ल्लू फीही यारुजून, कि इन पर जो है अगर आसमान के दरवाजे को खोल दिया जाए और ये आसमान पर चढ़ते रहें, दिन के अंदर दिन के उजाले में चढ़ते रहें, सारा चीज़ समझ में आएगा कि हम आसमान पे चढ़ रहे हैं, इसके बावजूद ये क्या कहेंगे, लकालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु कौमुन मसहूरून, बल उस वक्त भी ये कहेंगे कि हमारी नज़र बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि हम चढ़ रहे हैं, हमारी नज़र बंद कर दी गई है, या हम ऐसे लोग हैं कि हम पर जादू कर दिया गया, यानी हकीकत नज़र आने के बाद भी ये इस तरीके के टेढ़े अल्फाज को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि जो है आसमान से कोई टुकड़ा अजाब का नाजिल हो जाए तो वो कहेंगे कि ये जमा हुआ क्या है, बादल है। फिर आगे बयान फरमाया गया फदरहुम हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी फीही युसअकून, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको छोड़िए यहाँ तक कि वो उस दिन से मुलाकात कर लें जिस दिन जो है सब जिस दिन बेहोश कर दिए जाएंगे, जिस दिन क्या है बेहोश कर दिए जाएंगे, उस दिन से क्या है ये मुलाकात कर लें। ये इस आयत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि जो है ये आपसे जो है बेजा जो है मौजज़ात का मुतालबात करते हैं, आप बहुत सारी बातें उनको बताते हैं लेकिन आपकी बातों को मानते नहीं, आपका मजाक उड़ाते हैं, तमस्खूर करते हैं और आपको गालियां देते हैं, तरह तरह के जुमला कसी आपके आपके लिए करते हैं, तो आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनको क्या है छोड़ दीजिए यहाँ तक कि उस दिन से वो मुलाकात कर ले जिसके अंदर क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, बेहोश कर दिए जाएंगे। वो कौन सा दिन होगा, मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है कि ये क़यामत का दिन होगा, क्या होगा, जब क़यामत कायम होगा वनुफ़िक़ फ़िस्सूरी फ़सअ'िक़ मन फ़िस्समावाति वमन फ़िल अर्ज़, कि जब पहली मरतबा सूर फूका जाएगा लोगों के ऊपर, क्या है ज़मीन और आसमान के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसके ऊपर बेहोशी तारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी लोगों के ऊपर बेहोशी तारी हो जाएगी।
तो आप इनको छोड़िए यहाँ तक कि ये उस दिन से मुलाकात कर ले जिस दिन जो है इन पर बेहोशी तारी हो जाए। और सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर भी अल्लाह ने बयान फरमाया अल्लाह के रसूल को तसल्ली देने के लिए, फ़दरहुम यखूदु व यलअबु हत्ता युलाकु यौमहुमुल लज़ी युअदून, कि आप इनको छोड़ दीजिए कि ये लहव लईब के अंदर रहें, खेल तमाशे के अंदर रहें, आप समझा रहे हैं या आपकी बातों को नहीं मान रहे, ठीक है आप इनको छोड़ दीजिए यहाँ तक कि वो उस दिन से मुलाकात कर ले जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। जिसका उनसे वादा किया जा रहा है मुराद क़यामत का दिन, कि जो है क़यामत के दिन जब दोबारा सूर फूका जाएगा, पहली मरतबा तो हालत बिगड़ जाएगी, सब ख़त्म हो जाएंगे, फिर जब दोबारा सूर फूका जाएगा सब जो है मैदान महशर के अंदर जमा होंगे, उस वक्त पता चल जाएगा कि नबी की बात मानने में फ़ायदा था या नबी की बातों को ठुकराने के अंदर फ़ायदा था, उस वक्त इनको समझ में आ जाएगा। फिर आगे बयान फरमाया गया यौम ला युगनी अनहुम कैदुहुम शैआ वला हुम युनसरून, उस दिन इनकी चालें इनको कुछ भी काम नहीं देंगी। आज ये चालें चल रहे हैं और जो है तदबीरें कर रहे हैं, इनकी कोई तदबीर उनको उस दिन वहाँ पर काम नहीं देगी। वला हुम युनसरून, और न इनकी मदद की जाएगी, बगैर ईमान के जाएंगे वहाँ पर इनका इनकी कोई मदद भी नहीं करेगा। और जो है ये दुनिया के अंदर जो है ये जो अंबिया के साथ चालें चला करते थे और जो है अंबिया के मानने वालों के साथ चालें चला करते थे, तकलीफें दिया करते थे इनकी और जो है तरह तरह की प्लानिंग क्या करते थे, इनकी तदबीरें वहाँ पर कुछ काम आने वाली नहीं है और न इनकी मदद की जाएगी। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करते हैं وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ, और यकीनन इन ज़ालिमों के लिए इस अज़ाब के अलावा भी अज़ाब है, यकीनन इन ज़ालिमों के लिए इस अज़ाब के अलावा भी अज़ाब है। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन इनमें के अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह कहता है इस अज़ाब के अलावा भी अज़ाब है, किसके लिए? नाफरमानों के लिए, खुसूसन कुफार मक्का के लिए इस अज़ाब के अलावा भी अज़ाब है, इस अज़ाब के अलावा भी अज़ाब है, यानी असल अज़ाब क़यामत के दिन होगा, मैदान महशर के अंदर हिसाब व किताब के बाद जो है जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले भी दुनिया के अंदर भी अज़ाब हैं, दुनिया के अंदर भी क्या है? अज़ाब हैं। वलनुदीक़न्नहुम मिन अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम जो है इनको अज़ाब का मज़ा चखाएंगे इस अज़ाब के अलावा भी, बड़े अज़ाब से बड़े अज़ाब के अलावा भी छोटे अज़ाब के इनको मज़ा चखाएंगे। और मज़ा चखाना इसलिए है ताकि ये अपने रब की तरफ लौट कर आ जाए। छोटे छोटे अज़ाब के अंदर अल्लाह ताला नाफरमानों को दुनिया के अंदर भी घेर लेते हैं, दुनिया के अंदर भी आफात आती है, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया बड़े अज़ाब, यानी क़यामत के दिन के अलावा का जो अज़ाब है, बाज़ मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है कि यौम बद्र मुराद है, यौम बद्र मुराद है, कि यौम बद्र के अंदर जो है कुफार मक्का जो तरह तरह की प्लानिंग करने वाले जो सरदार किस्म के लोग थे, अक्सर लोग जो है उसके अंदर गाजर और मूली की तरह काटे गए हैं। 70 मारे गए थे बद्र के अंदर, 70 जो है कैद कर दिए गए थे। और जो है बाज़ मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि आखिरत के अज़ाब के अलावा दुनिया के अज़ाब में यौम बद्र मुराद है। और मुजाहिद रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि इससे जो है मक्के की 7 साल कहत साली मुराद है, कि मक्के के लोगों के ऊपर एक दौर ऐसा गुजरा कि 7 साल तक कहत के अंदर क्या थे, वो मुबतला थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है नाफरमानों को जो है दुनिया के अंदर भी जो है मुख्तलिफ किस्म के अज़ाब के अंदर घेरते हैं, लेकिन बड़ा अज़ाब कब होने वाला है? वो क़यामत के दिन होने वाला है। तो इसी को बयान फरमाया गया कि इन ज़ालिमों के अलावा भी अज़ाब है, यानी दुनियावी आफात वगैरह, खुसूसन मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक अहले मक्का के लिए यौम बद्र के अंदर जो परेशानी आई वो हलाकत, और जो है या ये कि उनकी कहर साली। और फरमाया गया वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, इनमें के अक्सर लोग जानते नहीं हैं कि जो है हमारे साथ हम नाफरमानी कर रहे हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है, इस चीज़ को ये जानते नहीं। आगे बयान किया गया वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, आप अपने रब की तजवीज़ पर सब्र कीजिए, आप अपने रब के हुक्म पर, आप अपने रब की तजवीज़ पर सब्र कीजिए। फ़इन्नक बिआयुनिना, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन आप हमारी निगाहों के सामने हैं। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तकूम, और आप अपने रब की तस्बीह के साथ और आप अपने रब के हमद के साथ तस्बीह बयान कीजिए। हीना तकूम, जिस वक्त के आप खड़े हों। इस आयत के अंदर बयान फरमाया गया कि जो है आप सब्र कीजिए, रब का जो रब इनको ढील दे रहा है, रब जो है इनको ढील दे रहा है, पकड़ेगा, अच्छा इनके ऊपर पकड़ आएगी, इनकी हलाकत है, आप सब्र कीजिए।
और आगे अल्लाह के रसूल को तसल्ली दी जा रही है, और तसल्ली किस चीज़ की दी जा रही है कि आपके बारे में और आपको तकलीफ पहुंचाने में तरह तरह के जो है प्लानिंग ये करते हैं, लेकिन सुन लीजिए हम आपको इसके जरिए नुकसान में नहीं डालेंगे, ये लोग आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। फ़इन्नका बिअयुनिना, यकीनन आप हमारी निगाहों के सामने हैं। दूसरे मकाम पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, कि ए रसूल आप तबलीग कीजिए उस चीज़ का जो चीज़ आप पर नाजिल किया गया, कुरान मजीद के अंदर जो अहकामात दिए गए हैं इसकी तबलीग कीजिए। वइन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, अगर आपने कुरान के पैगाम को नहीं पहुंचाया तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। और आगे बयान फरमाया गया, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और अल्लाह ताला लोगों से आपकी हिफाजत करेंगे। आप जो है दावत देते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, लोग आपको तकलीफ पहुंचाना चाहें तो भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी क्या करेगा, हिफाजत करेगा। यहां पर भी वही कहा गया कि आप अपने रब की तजवीज़ पर सब्र कीजिए, आप हमारे निगाहों के सामने हैं, ये चाहते हैं आपको ख़त्म कर दें, आपको नेस्त नाबूद कर दें, नहीं कर सकते। आपका परवरदिगार आपको देख रहा है और आपकी पूरी तौर पर हिफाजत कर रहा है, आप बिल्कुल टेंशन न लें। और ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप जो है अपने रब की हमद के साथ तस्बीह बयान कीजिए। किस वक्त, ही न तकुम, जबकि आप खड़े हों, जबकि आप खड़े हों उस वक्त तस्बीह बयान कीजिए। ही न तकुम से बाज़ मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है कि जब आदमी किसी मजलिस के अंदर हो, बैठा हुआ हो, और उस मजलिस का जब इख्तिताम हो तो इख्तिताम पर उसको ये दुआ पढ़नी चाहिए, ये तस्बीह पढ़नी चाहिए कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। बाज़ मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि हीन तकूम से ये दुआ का पढ़ना क्या है मुराद है। हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब आदमी किसी मजलिस के अंदर हो और अगर वो मजलिस खैर ही खैर हो तो अल्लाह ताला जो है उस मजलिस के लिए जो है उसके अंदर और रहमत को डाल देते हैं, और वो मजलिस और भी रहमत का क्या हो जाता है, बाइस बन जाता है। और फरमाया गया कि ऐसी मजलिस हो जिसके अंदर जो है अच्छी गुफ्तगू भी हुई हो, और जो है ना जाने मजलिस के अंदर जो है इधर उधर की भी गुफ्तगू हो जाती है आमतौर पर। फरमाया गया कि मजलिस के अख्तिताम पर अगर कोई बंदा ये दुआ पढ़ेगा जो आपके सामने भी बयान किया गया, तो ये दुआ मजलिस का कफ़ारा है, जो भी उसके अंदर अगर इधर उधर की बातें हो गई होंगी अल्लाह ताला जो है वो सारे गुनाहों को मजलिस के अंदर हुई सो सबको क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। तो इन दुआओं का जो है हर मजलिस के अंदर पढ़ने का आखिर के अंदर एहतिमाम करना चाहिए। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, ये जामे तरीन दुआ है। और इसी तरीके से जो है बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि नींद से बेदार हो तो भी अल्लाह की तस्बीह बयान की जाए, और जो है जब नमाज के लिए नींद से बेदार होकर उठें तो उस वक्त जो है अल्लाह की तस्बीह बयान किया जाए। ये कहा जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरीके के जुमले कहने का भी जो है मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया है कि जो है जब आदमी नींद से बेदार हो तो सोने की दुआ भी पढ़े और इस तरीके के कलिमात को भी इख्तियार करे। और फरमाया गया आगे, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, और रात के कुछ हिस्से में भी उसकी तस्बीह बयान कीजिए। وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, और सितारों के पीठ फेरने पर भी जो है तस्बीह बयान कीजिए। नुजूम कहते हैं सितारों को, सितारों के पीठ फेरने पर भी तस्बीह बयान कीजिए। وَمِنَ اللَّيْلِ, और रात के कुछ हिस्से में तस्बीह बयान कीजिए, रात के कुछ हिस्से में तस्बीह बयान कीजिए। इससे बाज़ मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज मुराद है, मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज मुराद है। और बाज़ मुफस्सिरीन ने नकल किया है कि इससे तहज्जुद की नमाज मुराद है। तो मगरिब ईशा भी पढ़ना ज़रूरी है, पंज वक्त नमाज पढ़ना क्या है, ज़रूरी है। इसके अलावा जो है रातों का जागना और जो है तहज्जुद की नमाज का पढ़ना भी जो है इससे मुराद हो सकता है। मुफस्सिरीन ने बयान फरमाया कि वमिनल लैली, रात के कुछ हिस्से में जो है उसकी तस्बीह को बयान की जाए। वइदबारन नुजूम, और अल्लाह की तस्बीह उस वक्त भी खूब बयान की जाए जब सितारे पीठ फेर दें। पीठ फेरने का मतलब क्या है, सितारे गायब होने लगे। सितारा गायब कब होता है, सितारा गायब सुबह सादिक के बाद होता है। सुबह सादिक के बाद क्या होता है, सितारा गायब होने लगता है, सितारा छुपने लगता है।
तो उस वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है फजर की नमाज पढ़ी जाती है। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि फजर की नमाज मुराद है, और बाज ने कहा कि फजर की नमाज के वक्त जो सुन्नत पढ़ी जाती है फजर की दो रकअत सुन्नत, वो यहाँ पर मुराद है। तो एक हदीस के अंदर भी आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की सुन्नत की अजमत को बयान फरमाया कि घोड़ा भी अगर रोन दे फिर भी तुम फजर की सुन्नत को न छोड़ो। और यहाँ तक बयान किया गया रकअतल फजरी खैरुम मिनत दुनिया व माफिया, फजर की दो रकअत सुन्नत जो है दुनिया व माफिया से बेहतर है। तो फजर की दो रकात सुन्नत की बड़ी अजमत और अहमियत है। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इदबार नुजूम से जो है जब सितारों का जो है गायब होने लगे तो उस वक्त जो है तस्बीह बयान करने का जो हुक्म दिया गया कि उस वक्त की फजर की दो रकात सुन्नत नमाज मुराद है। बहरहाल मिन जुमला देखा जाए तो पंज वक्त नमाज की अहमियत की तरफ भी इशारा है, और जो है रातों का जागना और खूब जिक्र अज़कार और तस्बीहात का करना, इन चीज़ों की तरफ इसके अंदर क्या है इशारा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को खुसूसन पंज वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और जिक्र अज़कार तस्बीहात की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको शब बेदारी करने की तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करने की भी तौफीक अता फरमाए। यह हमारा सूरह तूर का मुख्तसर अंदाज में जो तफसीर का सिलसिला है ये मुकम्मल हुआ है। मुख्तसर चंद जुमले के अंदर सूरह तूर की जो है मुख्तसर अंदाज में तफसीर इस तरह सुन लें कि सूरह तूर जो है मक्की सूरत है, इसके अंदर जो है तकरीबन 49 आयतें हैं। इब्तिदा के अंदर इसके अंदर दो रुकू है, पहले रुकू के अंदर पांच चीज़ों की कसम खाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को बयान फरमाया कि रब का अजाब वाक़े होकर रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। फिर आगे चलकर जो है सूरह तूर के पहले रुकू के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया कि जालिमों के लिए जो है ख़तरनाक जो है जहन्नम का अजाब है। फिर सूरह तूर के पहले ही रुकू के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है जालिमों की हलाकत का तज़किरा और उसके अजाब का तज़किरा बयान करने के बाद मुत्तकीन का तज़किरा बयान फरमाया कि जो मुत्तकी लोग होंगे ईमान वाले होंगे जन्नत के अंदर बागों के अंदर नियमतों के अंदर होंगे, उनको हूरें दी जाएंगी। और यहां तक बयान फरमाया गया कि अगर कोई वली होंगे किसी के वालिदैन और वो ऊंचे दर्जे में होंगे, उनकी औलाद नीचे के दर्जे में होंगे, तो अल्लाह ताला जो है उस वली के औलाद को नीचे दर्जे वाले को उसके साथ क्या कर देंगे, दर्जात के अंदर उसको मिला देंगे। और फिर जो है इसके अंदर यह भी बयान किया गया है कि वहां पर जो है गिलमान भी होंगे, यानी लड़के होंगे काम करने वाले, जो तरह तरह के खाने पीने की चीजें जो है जन्नतियों को सामने पेश करेंगे। फिर आगे चलकर जो है यह भी बयान किया गया कि जन्नत के अंदर जन्नती लोग आपस में दुनिया की जिंदगी का तस्करा करेंगे कि हम दुनिया के अंदर रहते हुए भी क्या करते थे, डरा करते थे। और आगे जो है दूसरे रुकू के अंदर सूरह तूर के अंदर बयान किया गया कि ए पैगंबर आप अपने रब आप नसीहत करते रहें, आप अपने रब के फजल से न काहिन न मजनून हैं। गोया कि अल्लाह की तरफ से सफाई दे दी गई कि पैगंबर ये लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप काहिन मजनून हैं, आप काहिन मजनून नहीं हैं। और फिर जो है दूसरे रुकू के अंदर कुफार मक्का का तस्किरा आया, फिर आज के अंदर ये तस्किरा आया कि अगर आसमान उनके ऊपर गिर जाए तो जो है टूट कर गिरने लगे टुकड़ा, तो वो कहेंगे कि ये गिरा हुआ टुकड़ा नहीं, ये जमा हुआ क्या है, बादल हैं। फिर इसके अंदर कहा गया कि इनको छोड़िए, इनके लिए हलाकत है, और जो है इनके दुनिया के अजाब के अलावा भी अजाब है। फिर जो है इसके अंदर यानी सूरह तूर के आखिर के अंदर बयान किया गया है कि जो है तस्बीहात की पाबंदी की जाए और नमाजों की खुसूसी तौर पर क्या की जाए, पाबंदी की जाए। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान मजीद सीखने सिखाने समझने समझाने और कुरान के तर्ज के मुताबिक अल्लाह हम सबको अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हर तरह की छोटी मोटी नाफरमानियों से भी बचने की खुसूसी तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.